एक प्यार ऐसा भी। शुभ तनु पार्ट 14 सो हिंदी लव स्टोरी। ओहो पार्ट 13 में हमने देखा शुभ तनु पलक सुहाना सब क्लास में बैठे रहते हैं। शुभ तनु पलक तीनों एक बेंच पर बैठे होते हैं और तनु सेंटर में बैठती है। पलक हेडेक की वजह से बेंच पे सो जाती है तो शुभ फटाक से पलक की साइड से जाके पूछने लगता है और ये सब देखकर तनु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सब आगे देखते हैं। शुभ बोलता है, हे पलक बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा तो प्लीज़ चलो ना, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें, रेस्ट करो थोड़ा घर पे जाके। हाँ करेक्ट, पलक बोलते हैं, नो शुभ इट्स ओके, मैं बाद में चले जाऊँगी खुद से ही। अच्छा, शुभ बोलता है, आई यू मैड आ वॉट पलक, इतना हेडेक लेकर तुम गाड़ी चलाओगे तो किसी को ठोक दोगे, समझे। हाँ पलक बोलती है, हाँ तो जाने दो, धरती से एक बोझ कम हो जाएगा, उसमें क्या है इतना। ओ माय गॉड, ये सुनकर लिटरली शुभ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर शुभ इसी गुस्से में अपना हाथ बहुत ज़ोर से बेंच पे मारता है। ओ माय गॉड, शुभ अपना हाथ बेंच पे मारते ही शुभ के हाथ को कट आता है बेंच का और ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर ये सब देखते ही पलक डर जाती है और फटाफट अपने नैपकिन से ब्लीडिंग रोकने का ट्राई करती है। अच्छा, दिन पलक बोलते, तुम क्या पागल हो क्या, किस बात का इतना गुस्सा आया। शुभ बोलता है, मेरे सामने फालतू बातें करना नहीं वरना एक दिन खुद मार खा बैठोगी। अरे बाप रे, दिन पलक बोलती है, हाँ मुझे चलेगा, जितना चाहिए उतना मार लो, बट ऐसा गंदा सा गुस्सा लेके तुम खुद को हार्म नहीं करोगे, दैट्स इट। है शुभ बोलता है, शांत बैठो, कुछ भी मत बोलो पागल की तरह। अच्छा, तनु यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में शुभ और पलक को देखने लगती है और फिर सीधा वहाँ से उठकर रोते हुए बाहर चले जाते हैं। अरे बाप रे, शुभ बोलते, अरे अब तनु को क्या हुआ, ये क्यों ऐसे रोते हुए बाहर चली गई। हाँ, पलक बोलते, शुभ वो तनु मेरी वजह से रोते हुए बाहर गए, आई मीन तुम मुझसे बात कर रहे हो और केयर कर रहे हो सो। अच्छा, शुभ बोलता है, वेट मैं उससे बात करके आता हूँ। ओके गुड गो, शुभ फटक से बाहर जाता है और तनु के पास जाके बैठता है और तनु शुभ को देखती ही फटाफट आंसू पोंछ लेती है। अरे बाप रे, सो देन शुभ बोलता है, क्या हुआ तनु तुम रो क्यों रहे हो। हाय हाय, तनु बोलते, नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा झूठी, शुभ बोलता है, प्लीज़ बताओ मुझे, तुम्हें मेरी कसम है। ओ माय गॉड, सीधा कसम दे दिया। कसम की बात सुनकर तनु शुभ को देखने लगती है और फिर शुभ भी तनु को देखकर बोलता है, बताओ तनु क्या बात है। ऐ है, तनु बोलते, शुभ आई थिंक आई लव यू एंड तुम्हें किसी गर्ल से बात करते देखकर या फिर तुमसे किसी गर्ल को बात करते देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, बहुत हर्ट होता है एंड अभी पलक के लिए केयर करते देखकर वही हुआ एंड रोना कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए बाहर चली आई। अरे बाप रे, शुभ बोलता है, ओके ठीक है, पर तनु मुझे तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील नहीं हुआ आज तक, सॉरी टू से बट मैं तुम्हें डायरेक्ट ना नहीं बोल रहा हूँ, सो प्लीज़ खुद को हर्ट मत करना। हाँ वो भी है, तनु बोलती है, इट्स ओके शुभ, मैं प्यार करती हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सो इट्स ओके आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरे साथ अभी जैसे रहते हो वैसे रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ओके वेरी गुड, शुभ बोलता है, हाँ ठीक है मैं रहूँगा तुम्हारे साथ है, बट प्लीज़ पलक सुहाना से बात करूँगा तो खुद को ऐसे हर्ट करके रोते मत बैठ जाना। हाँ देन शुभ, तनु बोलती है, प्यार करने लगे हो शुभ, ये सब देखकर जेलस फील हो गई, हर्ट हो गई, बट फिर भी खुद को संभाल लूँगी, डोंट वरी। अरे बाप रे, शुभ बोलता है, अच्छा ओके ठीक है चलो क्लास में चलते हैं। तनु बोलती है, हाँ तुम जाओ मैं आ रही हूँ एंड प्लीज़ मेरा बैग पीछे की बेंच पर रख दो। अरे बाप रे, शुभ बोलता है, तुम वही बैठो मैं अपनी जगह बैठ जाता हूँ। हाँ करेक्ट, तनु बोलते, नो शुभ प्लीज़ ऐसा मत करो, पलक को लगेगा कि मैंने ये सब बोला है, सो प्लीज़ मैंने जो बोला वो करो, प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट। ओके ओके जी कर लेता हूँ, शुभ बोलता है, अच्छा ठीक है बट प्लीज़ अब फिर से रोना मत वरना क्लास में ही मार पड़ेगी। अरे बाप रे, तनु बोलते हैं, हाँ बाबा ठीक है नहीं रहूँगी, दैट्स गुड। देन शुभ क्लास में चला जाता है और फिर तनु की बैग पीछे के बेंच पर रख देता है और फिर
पलक तो बोलेंगे कुछ। पलक बोलती है, क्या हुआ शुभ, तुमने तनु का बैग पीछे क्यों डाल दिया? शुभ बोलता है, तनु ने खुद कहा था, अब वो क्यों मुझे नहीं पता। ओके, पलक बोलती है ठीक है। और पलक दिमाग में बोलती है, अपने मन में बोलती है, तुमसे प्यार करती है तनु, और उससे देखना नहीं हो तुम्हारा मेरे पास आना है एंड केयर करना है। सो बस यही बात है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून गाइज। सो अब नेक्स्ट पार्ट 15 में देखते हैं अब आगे शुभ तनु पलक का क्या होगा और तनु के प्रपोजल का आगे क्या होगा, ये भी देखते हैं। सो राइटर एंड एडिटर शुभ।